हे गाइस, मैं हूं गुलफ शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रंच। इंडिया का लीडिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर अपनी ऑडियंस के लिए एक बेहद ही अलग और एक्साइटिंग शो लेकर आ रहा है। एमएक्स की ओरिजिनल सीरीज थिंकिस्तान आइडिया जिसका इंडिया उसका 24 मई से स्ट्रीमिंग होने वाला है। वहीं इस शो की स्टारकास्ट ने इस शो और अपने कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ मीडिया से शेयर किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और नवीन जो है इस प्लेइंग अमित, जो एक हिंदी बेल्ट से आता है भोपाल से, और मैं हूँ बॉम्बे ब्रेड चेंबूर बॉर्न एंड ब्रॉट अप। और ये जो शो है 90s में सेट अप एड एजेंसी जो एड वर्ल्ड है उस पर आधारित है। हमारी लाइफ जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से उस पर आधारित है। एक्चुअली कहानी जो है वो 90s में बेस्ड है, तो एक दौर था जब एडवर्टाइजिंग जो थी वो सिर्फ इंग्लिश जिंगल्स होती थी हिंदुस्तान में। फिर धीरे धीरे कैसे हिंदी आई एडवर्टाइजिंग में, यू नो, क्योंकि हिंदी बेल्ट से लोग आना शुरू हुए थे, वरना ये जो वर्ल्ड था ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलने वालों के अंडर ही आता। तो इसका एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो बॉम्बे का लड़का है और साउथ बॉम्बे का तमिल ब्राह्मण है, तेलुगु ब्राह्मण। उसका फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है आई थिंक। तो इनफैक्ट इंग्लिश भी फर्स्ट लैंग्वेज ही है काइंड ऑफ। तो और उसी किस्म का वर्ल्ड है, तो जैसे ही आता है बहुत चार्मिंग आदमी है, अच्छा सॉलिड सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो सब लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे मतलब ऑफिस का चहिता बन जाता है पूरी एजेंसी का। और जो मेरा कैरेक्टर है वो रेडी बताएगा। है ये भोपाल से और बस जो भी अपने ड्रीम्स है इसके उसको लेकर बॉम्बे आना चाहता है वो। ही इज़ वेरी गुड इन राइटिंग बट हिंदी में ही इज़ वेरी गुड। जो सोचता है हिंदी में सोचता, लिखता भी हिंदी में है। उसकी जो रिकग्निशन की जो स्पीड है इन कंपेरिजन टू मेरे जैसे लोगों के साथ या एड एजेंसी में बाकी जो अंग्रेज़ी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ वो थोड़ा स्लो है। ऑफकोर्स ये अपने कॉम्प्लेक्स के साथ आ रहा है बिकॉज फाइनेंशियल बैकड्रॉप को लेकर भी थोड़ा सा इसकी जनरल लाइफ मेरे जितना स्मूथ नहीं है, इसकी काफ़ी अपहेवल्स है। सो वो अपना एक पर्सनल बैटल है। जैसे ये आते ही कहानी में बल इसके पास रहने की घर भी ट्रेलर में दिखता है कि घर भी नहीं रहता इसके पास। सो फुटपाथ पे बेंचेस पे यहाँ वहाँ सोने लगता है। सो उसकी जो स्ट्रगल है वहाँ से शुरू होती है और आगे बढ़कर जो हमारी दोस्ती भी होती है देन वो कैसे एक्चुअली। हाँ एक्चुअली शो जो हमने ट्रेलर में देखा वो हमने सिर्फ एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखा। शो जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर भी है। हेल्पफुल भी लगेगा शो, यू नो, एड्स जो बनती हैं उनके पीछे क्या स्टोरीज होती हैं, किस तरीके से पिच किए जाती हैं और वो आइडियाज़ कहानियाँ कैसे निकलती हैं और वो कैसे फिर इवेंचुअली पर्दे पे आती हैं। तो एंटरटेनमेंट तो है ही, बहुत इंसाइटफुल भी है मेरे हिसाब से। और आप 90s में जाके देखेंगे तो मतलब मुझे तो बहुत ही, जब मैं पिचिंग वाले सीन्स पढ़ता हूँ तो कैरेक्टर से रिलेट जरूर करेगा, तो इसी वजह से उनको देखने में मजा आएगा। अमित के साथ कोई और रिलेट करेगा, मेरे साथ एक। बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली।